नमस्कार दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग नया पेपर पढ़ रहे हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। पिछले वीडियोस में हमने बात करी कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है, इसका क्या यूज़ है, इसको क्यों पढ़ें और इसको पढ़ने के बाद हमको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगले में हमने बात करी थी थोड़ा सा कि लॉजिक क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज जो है लॉजिक और प्रीपोजिशनल को समझेंगे, कंडीशन क्या होते हैं समझेंगे, स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे। ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अगर बात बोली जाए तो उसमें तीन तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो वो ट्रू हो सकता है, या तो फॉल्स हो सकता है, या तो ऐसा हो कि वो किसी सर्टेन टाइम पर या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो। सपोज करते हैं, एक कंडीशन लेते हैं, कुछ एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है, मेरे पास एक स्टेटमेंट है, वो क्या है कि दिल्ली इज, या न्यू दिल्ली ले लीजिए, न्यू इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा मैंने क्या ले लिया, मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, लखनऊ इज स्टेट ऑफ इंडिया। तीसरा मैंने क्या ले लिया, एक स्टेटमेंट, तीसरा मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमारे पास तीन कंडीशन है, तीन स्टेटमेंट है, और हम वन बाय वन देख सकते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर आप इस सेंटेंस को देखें तो ये क्या है, ये आपका सेंटेंस ट्रू है, ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है। इस सेंटेंस में हम देखते हैं क्या है कि ये हमारा ट्रू है। लेकिन अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, लखनऊ इज स्टेट ऑफ इंडिया, तो लखनऊ स्टेट तो है नहीं, इसलिए ये क्या है, फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। अगले की बात करें, अगला है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब ये देखो बड़ा ही कंफ्यूजन है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट को देखो, ये स्टेटमेंट कह रहा है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो हो सकता है कि अगर ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो, मतलब ये जो लिखा है ये फॉल्स हो, तो क्या होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो मतलब हमको क्या मिलेगा, ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्या होगा, ट्रू। तो ऐसे कुछ सेंटेंसेस मिलते हैं कभी कभी कि वो ना तो ट्रू होते हैं ना तो फॉल्स होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं, वो ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ संडे इज वेरी हॉट डे, संडे इज वेरी हॉट डे, अब इसमें क्या पता चलता है कि संडे एक गर्म दिन है, तो संडे अगर गर्म दिन है तो क्या ये हमेशा लागू होगा, हो सकता है विंटर का टाइम चल रहा हो और संडे पड़ जाए तब क्या होगा, तब तो आपका हॉट डे नहीं रह जाएगा, है ना। लेकिन अगर गर्मी का समय है और संडे है तो क्या होगा, तब तो ट्रू हो गया, है ना। तो इस स्टेटमेंट में या इस सेंटेंस में या इस सिनेरियो में
आप कह सकते हैं कि आप जो है कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात करेंगे, मैथमेटिकल कंडीशन की बात करेंगे, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऐसे कंडीशन को कंसीडर करेंगे जो कि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। सर्टेन टाइम पर दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी। अगर दोनों चीज़ें ट्रू या फॉल्स एक साथ हो रही हैं तो हम ऐसे स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हमारी थोड़ी सी बात रही कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होते हैं। अब अगर बात आगे बढ़ाएं तो बात आती है कि लॉजिक। ये सर आप बार बार लॉजिक बोल रहे हैं, लॉजिक का मतलब क्या है? लॉजिक कुछ नहीं, एक रूल होता है। लॉजिक क्या है? एक रूल होता है जिसके थ्रू हम ये कह पाते हैं कि कोई स्टेटमेंट ट्रू है या कोई स्टेटमेंट फॉल्स है। ये हम किसके थ्रू डिफाइन करते हैं? लॉजिक के थ्रू। और लॉजिक में आप देखें, जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि x इज ग्रेटर देन 5 वेयर x बिलोंग्स टू n। x क्या है? एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन है 5 से। अब यहाँ पर अगर हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं? ऐसी ही वैल्यू ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, ये सारी वैल्यूज ही कंसिडर कर सकते हैं, तभी ये ट्रू होगा। लेकिन अगर हम कोई ऐसा वैल्यू ले लें, 1 ले लें, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये फॉल्स होगा। लेकिन अगर हम डिफाइन कर दें यू कैन नॉट टेक वैल्यू लेस देन x या लेस देन 5, तब क्या होगा? और यहाँ पर x बिलोंग्स टू n लिखा, और यहाँ पे एक चीज और लिख दूं कि x डज नॉट बी लेस देन 5, x कैन नॉट बी लेस देन 5। अब देखो अब क्या होगा, कोई भी वैल्यू x से छोटी रख ही नहीं पाएगा, तो हर स्टेट में हर समय पे क्या होगा? एक हमको क्या मिल जाएगा कि x की वैल्यू 5 से छोटी रखनी ही नहीं है, तो हर कंडीशन में ये क्या होगा? हमारा ट्रू ही होगा। तब क्या होगा भैया? अगर ये हमेशा ट्रू होगा तो ये क्या हो गया? एक लॉजिक हो गया। इस लॉजिक के थ्रू हमने कहा ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू ही होगा। तो ये क्या है? एक तरह का ये लॉजिक है। तो हम लोग शुरू करते हैं लॉजिक की डेफिनेशन से। व्हाट इज लॉजिक? ठीक है, लॉजिक के बारे में हमने बताया कि ये क्या है लॉजिक। एक रूल होता है जिसके थ्रू हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है। तो लॉजिक इज अ रूल टू वैलिडेट एनी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। या तो कोई कंडीशन ट्रू होगी या तो कोई कंडीशन फॉल्स होगी। इसको डिफाइन करने का जो रूल देता है वही क्या कहलाता है? लॉजिक कहलाता है। और हम किसको लॉजिक देंगे? स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट क्या होता है मैथ्स में? स्टेटमेंट क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट में और मे नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट मे और मे नॉट बी ट्रू और फॉल्स एट मैथमेटिकल स्टेटमेंट
मे बी ट्रू, मे बी मैथमेटिकल स्टेटमेंट मे बी ट्रू और फॉल्स एट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या हो सकता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बट कैन नॉट बी एट सेम टाइम। सेम टाइम पर ये ट्रू या फॉल्स एक साथ में नहीं हो सकता है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, अगर फॉल्स होगा तो ट्रू नहीं होगा, एक साथ दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को ही हम मैथ्स में कंसीडर करेंगे, उन्हीं को मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि स्टेटमेंट को कैसे नोटेट करें, या आपका थोड़ा सा प्रीपोजिशन क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है, ठीक है। प्रीपोजिशन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिक। किसी भी लॉजिक का डिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रीपोजिशन कहलाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई लॉजिक है, उस लॉजिक को कौन डिराइव करेगा, उस लॉजिक को डिराइव करने वाला काम किसका होता है, प्रीपोजिशन का होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात आती है स्टेटमेंट एंड नोटेशन। अगले जो इसमें है पढ़ना, हमको क्या पढ़ना है, स्टेटमेंट एंड नोटेशन, ठीक। अगर मैं कहूं कि राम इज अ गुड बॉय, ठीक। दूसरा इसमें मैं ले लूं, राम इज क्लेवर। राम क्या है, चालाक है, राम जो है अच्छा है, ठीक है। हमारे पास दो बातें आ गई। अब जो है इसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कैसे लिख सकते हैं, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट में, या अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें, तो क्या है वो हमारा प्रीपोजिशन बन जाएगा। जैसे कि अगर हम इसको लिख दें, राम इज अ गुड बॉय एंड राम इज क्लेवर। हमने दो बातों को एक साथ कंबाइन कर दिया, और इसको कंबाइन करने वाला काम किसका है, इस एंड का। तो एंड क्या हो गया, इनके लिए एक तरह का प्रीपोजिशन हो गया, जो कि इन दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहा है, और ज्वाइन किस तरह से कर रहा है, एंड से कर रहा है। एक मैं और एग्जांपल लेता हूं, कि अ मल्टीनेशनल कंपनी रिक्वायर ओनली C++ और जावा डेवलपर। अ मल्टीनेशनल कंपनी रिक्वायर ओनली C++ और जावा डेवलपर। तो अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जिसको क्या रिक्वायरमेंट है, या तो C++ आना चाहिए या तो जावा आनी चाहिए। लेकिन इस स्टेटमेंट को अगर हम दूसरे पार्ट में लिखें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अ मल्टीनेशनल कंपनी रिक्वायर जावा डेवलपर, ठीक है।
दूसरा स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं, अ सी प्लस एम एन सी इज रिक्वायर क्या, सी प्लस प्लस डेवलपर। अब इसमें दो बातें सामने आई और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए जो रूल बना वो क्या था, और था। तो इस तरह के स्टेटमेंट को किसी पर्टिकुलर रूल से ज्वाइन करना क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, मैं मान लेता हूँ एक बहुत फेमस एग्जांपल लिया जाता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, एडम इज अ प्लेयर ऑफ क्रिकेट, एडम इज अ प्लेयर ऑफ क्रिकेट। दूसरा मैं स्टेटमेंट इसी में ले लेता हूं, एडम इज अ फुटबॉल प्लेयर, एडम इज अ फुटबॉल प्लेयर। हमारे पास दो बातें हो गई, पहली बात क्या हुई कि एडम इज अ प्लेयर ऑफ क्रिकेट और दूसरी बात हो गई एडम इज अ फुटबॉल प्लेयर। तो दो बातें हो गई, इन दोनों को अगर हम एक साथ ज्वाइन करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एडम इज अ प्लेयर ऑफ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो ये क्या हुआ, एंड स्टेटमेंट से ज्वाइन हो गया, एंड रूल से ज्वाइन हो गया और इसकी मीनिंग भी चेंज नहीं हुई। तो ये प्रीपोजिशन है। आपने अपने इंग्लिश ग्रामर में भी इन चीज़ों को पढ़ा होगा और समझा होगा कि जब आप जो है किस तरह से दो स्टेटमेंट को आप ज्वाइन करते हो, आपने उसको पढ़ा होगा। लेकिन ये मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में कुछ तो डिफरेंट होगा। ये तो बस बातें समझने के लिए थी कि किस तरह से दो स्टेटमेंट मैथमेटिकल कंडीशन में ज्वाइन होते हैं या प्रीपोजिशन के थ्रू ज्वाइन होते हैं। हम इसी को अगर मैथमेटिकली नोटेशन इसका देना हो तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। तो जो पहला रूल है भैया, पहला रूल क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट या सेंटेंसेस कंसीडर किए जाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस नहीं कंसीडर किए जाएंगे जिनकी एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल रही है, ऐसे स्टेटमेंट को हम कंसीडर नहीं करेंगे, वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करते हैं कि हम देखेंगे कि वो कंडीशन या तो एक पर्टिकुलर टाइम में ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, दोनों चीजें एक साथ ना हो, ऐसे हम ऐसे ही स्टेटमेंट को हम जो है चूज करेंगे। तो पहला जो रूल हुआ, पहला रूल क्या कहता है, ओनली डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट आर अलाउड। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट अलाउ होंगे। फिर क्या है कि अगली बात जो कहता है कि जो ट्रू वैल्यू होगी, द ट्रू वैल्यू विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड फॉल्स स्टेटमेंट, आप यहां पे वैल्यू भी लिख सकते हो, विल बी डिफाइंड एज फॉल्स। आप कैपिटल एफ और कैपिटल टी को यूज कर सकते हैं ट्रू या फॉल्स को दिखाने के लिए। अब आपकी जो अगली बात आती है, अगला जो कंडीशन आता है वो क्या कहता है कि हम जो है किसी भी स्टेटमेंट को
ट्रुथ भी लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर टी लिख रहे हैं ना, तो टी को ट्रुथ भी लिख सकते हैं और एफ को फॉल्स भी लिख सकते हैं। आपका जो चौथा कंडीशन आता है, चौथा कंडीशन कहता है कि आपके पास अगर मल्टीपल स्टेटमेंट हैं। अच्छा एक चीज और, इस ट्रू फॉल्स की जगह आप जीरो या वन भी लिख सकते हैं, जीरो या वन भी कंसीडर किया जाता है। अगला जो आपका स्टेटमेंट आता है, अगली जो कंडीशन आती है वो क्या कहलाती है प्रीपोजिशन में, जो आपका फोर्थ कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन क्या कहता है, थर्ड में मैंने बताया है अभी कि थर्ड कंडीशन क्या है कि उसको कैपिटल टी या कैपिटल एफ भी लिख सकते हैं। तो इफ देयर आर मल्टीपल स्टेटमेंट हैव टू ज्वाइन, देन एट द प्लेस ऑफ लैंग्वेज वी कैन यूज अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट की जगह पर यूज करेंगे। अब आपका जो अल्फाबेटिकल कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, अल्फाबेटिकल कैरेक्टर मे बी स्टार्टेड फ्रॉम पी क्यू आर एस एंड सो ऑन। इस तरह से आप पी क्यू आर एस ए बी सी डी जो भी चाहे ले सकते हैं। वैसे जो कंसीडर किया जाता है वो क्या है, पी क्यू से स्टार्ट करके पी क्यू आर एस ये सारी चीजें ली जाती हैं। आपका जो पांचवा कंडीशन आता है, फिफ्थ कंडीशन आता है, वो क्या कहता है कि अगर कोई भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, कोई भी डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, तो वो क्या हो सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसके पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज को हम पहले कैलकुलेट करेंगे, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कि दो स्टेटमेंट हैं, ठीक, दो स्टेटमेंट हैं, तो इसकी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, 2n, यानी कि ये क्या है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। अगर दो कंडीशन हैं, दो स्टेटमेंट दिए हैं, तो इसके कंडीशन कितने बन सकते हैं, ट्रू या फॉल्स होने के चांसेस क्या हो सकते हैं, क्या होगा, 2n, यानी कि 4 चांसेस होंगे कि वो ट्रू या फॉल्स है। इसके कितने चांसेस बनेंगे, टोटल 4 कंडीशंस बनेंगी, 4 चांसेस होंगे। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसा है, कोई हमारे पास तीन स्टेटमेंट आ गया तो 2n वही नंबर ऑफ स्टेटमेंट 3, यानी कि 8 पॉसिबिलिटी बनेंगे। नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी होंगी, 8 की, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 8 की होंगी। जो अगली बात आती है आपकी वो क्या है कि आप जो है इसमें जब भी आप स्टेटमेंट का यूज करें तो आपके पास जो प्रीपोजिशनल स्टेटमेंट हैं, यानी कि एंड और नॉट ये सब चीजें जो आप यूज करते हैं, वो क्या होंगे, सिंबल्स में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बातें रही कि प्रीपोजिशन क्या होता है और प्रीपोजिशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, कैनेडा इज कंट्री, ये हमारा पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट हम ले लेते हैं, मास्को इज द कैपिटल ऑफ स्केन।
या अपने इंडिया की ही बात करते हैं, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ अमेरिका। क्या हो गया? दिल्ली जो है अमेरिका का कैपिटल है। तीसरा मैं ले लेता हूं क्या, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो आप देखें तो पहला क्या है, कनाडा इज अ कंट्री, ठीक है, कंडीशन ट्रू है। ठीक, फिर अगर हम बात करें दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी क्या है, ये फॉल्स है, आपको एक पता चल रहा है। तीसरे स्टेटमेंट में हमको डिक्लेरेशन नहीं मिल पा रहा है, ट्रुथ या फॉल्स हमारा दोनों हो सकता है। ये अब स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी उनको हम क्या कहेंगे, एक पैराडॉक्स की तरह लेंगे कि वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब ये सब तो पढ़ लिया हम लोगों ने, अब जो भी चीजें हम ज्वाइन कर रहे हैं प्रीपोजिशन के थ्रू, जो रूल डिफाइन करेंगे, उन रूल को हम कनेक्टिव्स के थ्रू समझेंगे। तो वैसे हम लोगों के पास तो टोटल 5 से ज़्यादा कनेक्टिव्स होते हैं, हमको सबको डिस्कस भी करना है। तो प्रीपोजिशन को मैंने बताया कि प्रीपोजिशन क्या है, कि किसी भी लॉजिक का एक डिस्क्रिप्शन है, कि वो लॉजिक कैसे काम करेगा, इसको डिफाइन करने का काम किसका है, प्रीपोजिशन का है। चीजें अभी हो सकता है आपको उतने अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे, हम कनेक्टिव्स को पढ़ेंगे, सेट थ्योरी को पढ़ेंगे, इसके बाद ग्रुप थ्योरी को मैं पढ़ाऊंगा, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी मैथमेटिकल होंगी, उनको मैं इजी लैंग्वेज में एग्जाम्पल के साथ आप तक डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, आपको चीजें समझाऊंगा। तो इसके पहले कि हम कनेक्टिव्स पढ़ें, हम थोड़ा सा अभी जो प्रीपोजिशन के हमने रूल्स पढ़े हैं उनको इन एग्जाम्पल पर अप्लाई करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर ये कंडीशन मान लीजिए कि हमारा ट्रू होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम इसको क्या लिखेंगे, एफ। ये तो हमारा स्टेटमेंट ही नहीं है, ये हमारा स्टेटमेंट ही नहीं है, ये हमारा ट्रू है, ये फॉल्स है, तो ये तो स्टेटमेंट है। अब हमको मान लीजिए कि मैथमेटिकली किसी चीज को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम सिंबल्स का यूज करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सिंबल्स का यूज करेंगे। तो मैं इस तरह से लिख दूंगा कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला, इसको मैं पी मान लेता हूं। अब ये है दिल्ली इज कैपिटल ऑफ अमेरिका, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि ये क्यू है। तो हमारे पास दो हो गए, एक हो गया पी, दूसरा हो गया क्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी इज अ ट्रू। क्या लिख सकते हैं, पी क्या है, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि P क्या है, ट्रू है, और Q क्या है, फॉल्स है। Q क्या है, आपका फॉल्स है, ठीक है। तो ये दो चीजें आप इस तरह से कर सकते हैं कि किसी भी बड़े मैथमेटिकल स्टेटमेंट को आप कंसीडर कर लीजिए कि एक P है और एक Q है, उसको आप इस तरह से ट्रू या फॉल्स डायरेक्टली दिखा सकते हो। आज के लिए इतना ही, शेष बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। अगर आपके सवाल आप लाइव चैट पर आपको नहीं मिलता है, आपके सारे सवालों को मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में उसकी बातें जरूर करूँगा। किसी को अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल परेशान मत होइए कि ये कौन सी बड़ी तीर मार रहे हैं सर, कोई तीर नहीं है भैया, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।